स्वागत है इंडिया समाचार में। सिकंदरपुर विधायक ने क्षेत्र के विकास के लिए कोई काम नहीं किया, सपा नेता शोएब इस्लाम। खबर बलिया के सिकंदरपुर विधानसभा से है, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी कवायद लगातार जारी है। विधानसभा चुनाव को लेकर संभावित प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क करने में जुटे हुए हैं। बलिया के सिकंदरपुर सीट से सपा के संभावित प्रत्याशी शोएब इस्लाम भी क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। उनका दावा है कि मौजूदा विधायक ने क्षेत्र के विकास के लिए कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बाढ़ से बचाव के लिए काम करना उनकी प्राथमिकता में है, जबकि क्षेत्र में रोजगार के संसाधन बढ़ाने के लिए काम करना उनके एजेंट में शामिल है। उन्होंने सपा सरकार बनाने पर क्षेत्र के भरपूर विकास की उम्मीद जताई है। शोएब इस्लाम संभावित प्रत्याशी, आनंद मोहन मिश्रा, जिला ब्यूरो चीफ, बलिया। अपना परिचय दीजिए। डॉक्टर सैयद शोएब इस्लाम, आवेदक हूँ 359 विधानसभा क्षेत्र। शोएब जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि 2022 का चुनाव नजदीक आ गया है, वैसे वैसे राजनीतिक पारा चढ़ता जा रहा है, तो क्या कहेंगे, आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है इस समय? देखिए, हमारे क्षेत्र की जो स्थिति है सपा के पाले में, नई हवा नई सपा, और मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ आ रही है, जिसकी अगुवाई बलिया करेगा। तो जो इससे पहले जो भी नेता रहे हैं आपके क्षेत्र में, उन्होंने कितना विकास किया और कितना सिकंदरपुर को में योगदान दिया उन्होंने? देखिए, मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी के विधायक माननीय संजय यादव जी, और इन्होंने धरातल पर काम नहीं किया। सिकंदरपुर की जो रिक्वायरमेंट थी, विशेष तौर पर हमारे यहाँ लगभग इस वक्त 57,800 समथिंग यूथ वोटर हैं, और नौजवानों की अपनी मांग है, रोजगार, शिक्षा, इसके केंद्रों की स्थापना नहीं। रोजगार के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कोई प्रयास क्षेत्र में नहीं किया। गुलाबों की नगरी कही जाती है, इत्र उद्योग सिकंदरपुर का पुराना उद्योग रहा है, इसको बढ़ाने के लिए, इसको स्थापित करने के लिए, इसके पुनर्स्थापना के लिए कोई विशेष कार्य नहीं किया। और अन्य भी समस्याएं हैं, नहरें सूखी रहती हैं, रोडवेज बस स्टेशन सिकंदरपुर में होना चाहिए, लंबे समय से मांग है, ये नहीं हुआ। मिनी स्टेडियम की मांग रही है खेल प्रतिभाओं को कौशल विकास के लिए, ये नहीं हुआ। कई ऐसे काम हैं, हज़ारों एकड़ ज़मीनें हर साल बाढ़ में प्रभावित होती हैं, उनको बचाने का भी प्रयास होना चाहिए स्थायी रूप से, वो भी नहीं हुआ। कोई बंदे का निर्माण नहीं हुआ, कांग्रेस के शासनकाल में बहुत पहले हुआ था, वही था। तो अगर अखिलेश जी आप पे विश्वास करते हैं, अगर आपको टिकट मिलती है वहाँ से, तो कितने उनके वादों पर खड़े उतरेंगे आप? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी उत्तर प्रदेश की जनता से किया गया वादा है, ये तो अक्षरशः एक एक इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि अपने क्षेत्र के लोगों को लाभ दें। उसके अलावा भी क्षेत्र में हम लोग घूम रहे हैं, हमारी जो जिम्मेदारियाँ हैं या जनता की जो अपेक्षाएँ अन्य मुद्दों पर भी हैं, उनको भी हम चाहेंगे कि अपनी सरकार में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से उसको पूरा करा। सबसे ज़्यादा कौन सी अहम मुद्दा है आपके क्षेत्र का, जो सबसे पिछड़ा हुआ है उस चीज़ का? देखिए, स्वरोजगार, पूरे सिकंदरपुर में रोजगार की कमी है, और नौजवान अनएम्प्लॉय होकर घूम रहा है डिग्री लेकर के। हम चाहेंगे कि इस पर विशेष तौर पर हम लोग काम करें। रोजगार के केंद्र लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की योजनाएं हैं, और हम उसके साथ नौजवानों को रोजगार। तो अगर अखिलेश जी की सरकार बनेगी तो आप